हम लोग इस नए एपिसोड में फंक्शंस पर लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि फंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पूरी कैलकुलस के बेसिक्स तुम्हारी फंक्शन है, और इतना ही नहीं, फंक्शंस का अदर चैप्टर्स में भी, जैसे कॉनिक्स में भी थोड़ा बहुत तुम वाइड एप्लीकेशन देखोगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली, बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी ले लेने के बाद, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया है, आप क्वाड्रेटिक को की सीडी को बढ़िया से देखें, उसके बाद इस पर आए। क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसकी एक लिस्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ। पहले ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, नेमिंग क्या है, स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, उनके रेंज क्या होती है, ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियडिक फंक्शंस क्या होते हैं, मोनोटोनिसिटी क्या है। ध्यान रखो, कुछ लोग मोनोटोनिसिटी को बाद ही पढ़ते हैं मैक्स अमीना में, मैं तुम्हें इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस फंक्शन में बहुत होती है, लेकिन इसे बहुत थॉरो पढ़ना पड़ेगा। मोनोटोनिसिटी बहुत ही जरूरत चीज है, तुमने क्वाड्रेटिक में भी एक जगह देखा होगा, लोकेशन ऑफ, सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ रूट्स बताने में ये तुमने देखा होगा इस चीज को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस में, मैपिंग ऑफ फंक्शंस में, इनवर्स ऑफ फंक्शन में, और इनवर्स में जाकर तुम्हारा फंक्शन समाप्त होगा। फिर हम आगे लिमिट्स कंटिन्यूटी पर हम बढ़ेंगे, लेकिन जिनकी फंक्शन अच्छी नहीं होती उनकी कैलकुलस कभी अच्छी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखकर तुम्हें पढ़ना होगा। जितनी सीरियसली ध्यान रखते दो, हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में अपने डेफिनेशन और नॉलेज को क्लियर करेंगे। हम लोग फंक्शन जब भी वर्ड कॉल करते हैं तो इसका मतलब ही होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। वो हम लोग फंक्शन एब्रिविएशन के फॉर्म में, संक्षिप्त में बोला करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, या फंक्शन की डेफिनेशन कुछ यूं है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तुम यहां यूनिक वर्ड पर गौर करोगे, हमारे पास ए और बी दो ऐसे सेट होने चाहिए जो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हो, दोनों में कुछ ना कुछ मेंबर्स हो, और कोई रूल इफ एक ऐसा एग्जिस्ट करे जो ए के एलिमेंट्स का यूनिक एसोसिएशन बी के एलिमेंट से कराता हो, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक और केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट होता हो। तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो रूल एफ है वो ए से बी फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है, वो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्लियर करने के लिए तुम वेन डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये ए और बी दो सेट्स हैं, इसमें मेंबर्स हैं, इस तरह ए के मेंबर्स हैं पी क्यू आर एस, और बी के जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक रूल है एफ जो इस ए के मेंबर को बी के एलिमेंट से एसोसिएट करा रहा है, वो पी को एसोसिएट कराता है 1 से, तो पी का यूनिक एसोसिएशन हो रहा है, क्यू को एसोसिएट करा रहा है 2 से, यह भी यूनिक एसोसिएशन है, आर को भी 3 से कराता है, मतलब आर अगर फंक्शन में डालोगे तो आउटपुट 3 आएगा, एस डालोगे तो भी आउटपुट 3 आएगा, लेकिन इसमें दो डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ जा रहा है, इसलिए इसको मेनी वन फंक्शन कहा था, जो तुम मैपिंग ऑफ फंक्शन में बाद में जानोगे, लेकिन फंक्शन ये तब भी हुआ, यह भी यूनिक एसोसिएशन है। नॉन यूनिक एसोसिएशन कब होता है, जब तुम ए के एक एलिमेंट को बी के दो दो एलिमेंट से एसोसिएट करा दोगे तब वो नॉन यूनिक एसोसिएशन कहलाएगा। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देता है। मान लो हम पी को इस तरह एसोसिएट करा दें, तो तुम यहां देखोगे कि इस फंक्शन में ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें पी डालते हैं दो दो आउटपुट आ जाता है, दो दो एसोसिएशन होता है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है, ये तुम थोड़ी देर बाद जानोगे, इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन नहीं आता है। तो यूनिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि ए का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए के दो दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए, यह भी यूनिक एसोसिएशन ही है, लेकिन ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है, ये फंक्शन में नहीं आता है, ये फंक्शन में आता है। तो फिर इसमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजियां होती है जो जानना चाहिए तुमको, जैसे ए जो है वो क्या है, बी जो सेट है उसको फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, तो सेट ए कहलाता है डोमेन ऑफ ए, सेट ए को तुम कहते हो डोमेन ऑफ एफ, बी जो है इसके लिए एक वर्ड आता है कोडोमेन, और फिर इसमें एक वर्ड आता है रेंज, रेंज किसको कहते हैं। तो इसमें एक बात हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, ए के एलिमेंट्स जिन जिन एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं उनका एक कलेक्शन आएगा, इसे तुम इमेज कहते हो, 1 2 3 जो है वो ए के एलिमेंट्स का इमेज एलिमेंट है, 4 किसी का इमेज नहीं है क्योंकि 4 किसी से एसोसिएट नहीं हुआ है। तो ये जो इमेजेस आते हैं, प्रतिबिंब जो आते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, जैसे तुम इसको इस रूप में देख सकते हो, ऐसा एक सेट बनाया और ये इमेजेस हैं, इसको ऐसा लिखा 1 2 3, तो ये जो इमेजेस का कलेक्शन है एफ इमेजेस का, उसको हम लोग कहते हैं ये रेंज ऑफ एफ है। तो तुम देखोगे कि ये जो रेंज है वो सेट है 1 2 3, कोडोमेन है 1 2 3 4, और ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो रहा है, कभी कभी वो बराबर भी होता है, मैपिंग में तुम जानोगे उसे 1 2 फंक्शन कहते हैं जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है।
तो पहले हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही क्लियर करते हैं। ये वन टू मेनी जब जब एसोसिएशन आए वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, वो फंक्शन होता ही नहीं है। और जब वन टू वन एसोसिएशन होता है, मेनी टू वन भी हो सकता है, मतलब ए के एक एलिमेंट्स बी के एक ही एलिमेंट्स एसोसिएट होते हों, तभी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन या शॉर्टली सिर्फ फंक्शन कहलाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने सिंगल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन में इस वेन डायग्राम को देखा, जिसमें ये बताया कि सेट ए जो है वो डोमेन सेट कहलाती है, सेट बी कोडोमेन सेट, और ये 1 2 3 का जो कलेक्शन है उसे रेंज सेट कहते हैं। इस पूरे को शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। लेकिन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनका नाम होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो है इसके लिए जो सिंबल यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो रेंज आएगा कोडोमेन नहीं, ये जो रेंज आएगा 1 2 3 जैसे रेंज आ रहा है, तो रेंज के लिए भी एक वेरिएबल हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे एग्जांपल के रूप में तुम समझने के लिए ऐसे ले लो कि किसी सर्किल का जो एरिया होता है ए, उसे हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। तो तुम इसमें आर डालोगे, ये जो सर्किल होती है इसमें जो आर होती है इसकी रेडियस, तुम जैसे जैसे आर बदलोगे वैसे वैसे एरिया बदलेगा, तो हम कहते हैं कि ये जो आर है वो सर्किल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, लेकिन सर्किल के एरिया में जो ये ए है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और इसे हम इस तरह कहते हैं कि एरिया ए इज सम फंक्शन ऑफ आर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां आप ध्यान देने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और डिपेंडेंट वेरिएबल ए, उसमें फंक्शन का जो रिलेशन होता है वो इसी तरह लिखा आता है एफ आर जी आर। अगर मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल तुम वाई लिखते हो, रेंज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल प्रायः वाई लिखा आता है और डोमेन के लिए एक्स लिखा आता है, तो हम किसी फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जिसमें एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि जब जब तुम एक्स की वैल्यू डालोगे तो प्रत्येक एक्स के वैल्यू के तहत वाई की ऑलवेज एक ही वैल्यू मिलेगी। ये इसका यूनिक एसोसिएशन से ये रिजल्ट निकलता है कि जब जब हम एक्स की कोई वैल्यू डालेंगे वाई की एक और केवल एक वैल्यू निकलेगी। लेकिन एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है जिसको तुरंत एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें कभी कभी कुछ एक्स डालने से कुछ एक्स ऐसे मिलते हैं जिसमें डालोगे तो वाई की एक से अधिक वैल्यू मिल जाएगी, वो फंक्शन नहीं होता है। लेकिन एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन में कुछ फंक्शन छिपे रहते हैं, जब उसको तोड़ोगे तो कई सिंगल वैल्यूड फंक्शन निकलते हैं, उसको हम दिखाते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बीच डिफरेंस जानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल मेथड भी है। तो कैसे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन को पता लगाते हैं, इसमें देखोगे कहता है नो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट। अगर तुम किसी ग्राफ को वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन द्वारा किसी एक ही पॉइंट पर कट करते हुए देखो तो ये समझो कि वह ग्राफ किसी फंक्शन का होगा। जैसे मान लो इस तरह का ग्राफ लो, इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं तो देखो प्रत्येक लाइन एक ही जगह काटती है, इसलिए ग्राफ फंक्शन में ग्राफ कहलाएगा। मान लो इस तरह के ग्राफ लेते हो ऐसे, इसे भी देखो एक ही जगह काटेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लेते हैं तो एक ही जगह काटता है। लेकिन अगर तुम कोई इस तरह की ग्राफ लेते हो ऐसे, अब तुम काटो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के द्वारा देखोगे तो एक यहां कटता है और एक यहां कटता है। इसको इस तरह समझना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह होता है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तुमने पढ़ा होगा वाई एक्सिस को किसी पॉइंट के पर काटे और एक्स के पैरेलल लाइन लोगे तो इसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू के, लेकिन अगर वाई के पैरेलल और एक्स को के पर काटे तो इसका इक्वेशन होता है एक्स प्लस के। अब इस ग्राफ में देखो ये लाइन जो है ग्राफ को दो जगह काट रहा है, तो इस पॉइंट के बारे में तुम ऐसा सोच सकते हो कि इसकी एक वैल्यू के होगी, वाई वैल्यू कुछ होगी वाई वन, उसी तरह इसकी एक्स वैल्यू कुछ होगी के और वाई वैल्यू हो जाएगी वाई टू। इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें एक्स की वैल्यू तो के ही डालते हैं लेकिन y की दो दो वैल्यूज दो दो आउटपुट्स आ जाती हैं और इसलिए ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन में आता है। क्योंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन में लोगों ने पढ़ा है कि x की कुछ ऐसे x होते हैं जिसमें प्रत्येक x की वैल्यू पर y के एक से अधिक आउटपुट्स निकलते हैं, एक से अधिक वैल्यू मिलते हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा जैसा तुम ये देख रहे हो या ये ग्राफ देख रहे हो, इसमें कोई भी पॉइंट लोगे तो x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू तुम्हें मिलेगी, चाहे यहां लो या लो या लो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्राफ में इन दोनों का। एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन में कई सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, उसे तोड़ोगे तो दिखाई पड़ेगा। पहले इस डिफरेंस को याद रखो, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कभी फंक्शन नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं होता है,
इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन को तोड़कर हम ये दिखाएंगे कि कैसे इसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन छिपे होते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू x की ऐसी ग्राफ होती है, अभी ये जान लो, बाद में तुम एक्सप्लेनेशन देखोगे इसका। इसे जब तुम तोड़ोगे तो ऐसा आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, और तुमको पहले बताया जा चुका है y इक्वल टू रूट x की ग्राफ ऐसे आएगी, y इक्वल टू प्लस रूट x। यहां ये जो y है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू जब आएगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, इसलिए इसका ग्राफ ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा। इसको देखो, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है उसको क्या एक से अधिक पॉइंट पर काटते हैं? तो एक ही जगह काट रहे हैं, इसलिए अकेले इसको लोगे तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। दूसरा तुम इस केस को लो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, इसे इस तरह, तो ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स में ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए वहां क्या यहां पर y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, और यहां भी इसके पैरेलल y के पैरेलल जो लाइन है वो एक ही जगह काटेगी, जब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमारा। लेकिन जब दोनों को एक साथ क्लब करते हैं इस रूप में तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है ये सर्कल का, इसका इक्वेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस ए। ये क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तुम इसे देखो, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन से एग्जैक्टली दो जगह काटती है, इससे दो सिंगल वैल्यूड फंक्शन निकलेंगे। कैसे? तो एक अपर हाफ जो सेमी सर्कल है यहां से यहां तक, रेडियस ए की अपर हाफ सेमी सर्किल माइनस ए से ए इंटरवल के बीच, इसे हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये जो लोअर हाफ है, इस लोअर हाफ की अलग डायग्राम बनाओ तुम इस तरह से, इस तरह, तो ये कहलाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए से ए के बीच में। लेकिन दोनों को एक साथ क्लब कर दोगे तो फिर वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। तुम इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कई सिंगल वैल्यूड फंक्शन निकाल सकते हो, अभी तो मैंने सेमी सर्किल के रूप में लेकर दिखाया है कंप्लीटली ये दो टू, लेकिन और भी निकाले जा सकते हैं। कैसे? तो उसको निकालने के मेथड है क्वाड्रेंट वाइज, छोटा छोटा काटकर तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक फंक्शन ऐसा मैं दिखाता हूं, इधर से पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले लो, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ग्राफ ले लो और थर्ड में नेगेटिव ग्राफ ले लो, तुम देखोगे ये भी एक फंक्शन हो गया, ये सर्किल से ही निकलता है। और इस तरह के तुम इनफाइनाइट फंक्शन निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि सर्कल से इनफाइनाइट सिंगल वैल्यूड फंक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं। तो तुम इसे ऐसा कर लो, तुम तो ये जान ही रहे हो कि यहां से लेकर यहां तक ये अपर पार्ट जो है उसे y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा सकता है, और ये नीचे वाला y इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा सकता है। तो तुम्हें तोड़कर इसे बनाना पड़ेगा। मान लो हम ग्राफ को यहां पर तोड़ते हैं इस तरह से, एक वर्टिकल लाइन ले लो और इस लाइन का नाम लिख लो, कुछ इक्वेशन लिख लो x इक्वल टू k। इस लाइन के राइट साइड में अगर अपर पार्ट लोगे तो लेफ्ट साइड में लोअर पार्ट लेना, या लेफ्ट में अगर अपर पार्ट लेते हो तो राइट में लोअर पार्ट लेना। तो इस तरह से एक टूटा हुआ तुम्हें फंक्शन मिलेगा। देखो कैसे, ये जो सर्किल है, इस सर्किल हमने यहां के लाइन ड्रॉ कर रखी थी, मान लो हम इसके लेफ्ट वाले लेते हैं, इस लाइन के लेफ्ट वाले लेते हैं यहां से यहां तक, तो लेफ्ट में अगर ऊपर वाला वर्टिकल लेना है, ऊपर वाला लेना है तो इसको नीचे हटा देते हैं, और इसके राइट हम लोग लोअर वाला लेते हैं, अपर हटा देते हैं। तो तुम देखो कि एक ऐसा फंक्शन बन रहा है, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये टूटा हुआ फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये। हाँ, तुम ये काम और करना, ये जो लाइन x इक्वल टू के है, दोनों यहां और यहां दोनों जगह पॉइंट तुम नहीं रख सकते, किसी एक जगह रखना होगा। अगर यहां पॉइंट रखोगे तो यहां ब्लैंक कर दो, ब्लैंक करने का मतलब होता है यहां से पॉइंट गायब हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि इस सर्कल से हमने तोड़कर एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाया है, किस तरह? तो माइनस ए से के तक ये है वाई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और के से लेकर ए तक है वाई इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन तुम्हारी मिल रही है ना, इसे तुम कहते हो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जो इस सर्किल से काट कर बनाया गया है, लेकिन ये टूटता है के पर। लेकिन ये के है क्या? तो के माइनस ए से प्लस ए के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब तुम इसे कहीं भी तोड़ सकते हो, इधर भी लाकर तोड़ सकते हो, यहां भी यहां भी। तो माइनस ए से ए के बीच में के की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? इनफाइनाइट। तो चूंकि के की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मतलब हम इस सर्किल को इनफाइनाइट डिफरेंट प्लेसेस पर तोड़ सकते हैं, और हर एक टूटने के पॉइंट पर एक फंक्शन मिलेगा। इनफाइनाइट जगह टूटेगा तो इनफाइनाइट फंक्शंस मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के कैसे कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं ये जानना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो प्लस टू लेवल पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन पार्ट में बताए जाते हैं, एक पॉलीनोमियल, एक रैशनल फंक्शन
और एक इरेशनल फंक्शन। पॉलीनोमियल तुम पहले भी जानते हो, पॉलीनोमियल जब भी किसी वेरिएबल एक्स के टर्म में लिखा आता है तो उसमें हर एक टर्म पर पावर एक्स, हर एक टर्म एक्स पर जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। उसे इस रूप में याद रख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रिपावर एन प्लस सेवन एक्स रिपावर एन माइनस वन एंड सो ऑन टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। तो ये जो फॉर्म होता है इसमें जो इंडिसेस होते हैं एन एन माइनस वन माइनस टू, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये हमारा पॉलीनोमियल होता है। जैसे तुमने लीनियर पॉलीनोमियल पढ़ा होगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ा होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद आते हैं रैशनल फंक्शन पे। रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो जिस तरह ये पॉलीनोमियल हमने लिया है, अगर इसे हम पी एक्स कह दें और ऐसा ही इंडेक्स एम के फॉर्म में एक नया पॉलीनोमियल क्यू एक्स